ओम शांति। ओम शांति। जैसे विजय देवी जी ने बताया कि दादी जी द्वारा मेरा जन्म हुआ है, तो ये तो सही है, परंतु आदरणीय विजय भाई जी ने इतनी दादी की सेवा की। दादी ने मुझे बताया प्रकाश विद्या बहन ने मेरी इतनी सेवा की है, तो मुझे डर है कि अंत समय मुझे कहीं गई या ना हो जाता है। बता दो दादी ने कहा विद्या बहन बहुत कड़ती भी है, जरा ध्यान रखना। और अजित नाम मेरा साथी है। पद तो एक ही पद से का पद बात माने हम बच्चों को दिया ही है कि तुम मास्टर वाले कुल है, तीन कुल है, पाव कुल है, सत्ती कुल है, बाकी कुल है, वर्तमान कुल है, कुछ समय मेरी उम्र लगभग 12 साल। वैसे तो मैं गांव में ही बैठी, लेकिन मुझे ऐसे और आज भी कभी मेरे परिवार में मेरे साथ मेरी परिचित गर्मी और मेरा बाबा मेरे साथ ऐसे ही हमारा चलना। पहले तो शुरू में नहीं रहता, लेकिन जब हमारे उसी की समझे ऊपर कुछ भजन ने ऐसा दिखाया कि ये ज्ञान इतना ऊंचा है और आज हमें कहाया ये इधर जो भैया नहीं बड़ा दूर नहीं बड़ा आने जाने का 2 रुपया रिक्शा का देता था, तो पैदल जाना होता था, वो बचा के मधुबन भेजना है। अगर 1 रुपया मिला तो आजाना मधुबन के लिए पहले बचाना है, क्योंकि तो मधुबन में भी तो भेजनी पार्ट था और हम यहाँ खाने मधुबन को ना मिले। नारी का साग एक टाइम एक गड्डी लाए हम भी पैसा की, तो 2 टाइम खाते थे। खिचड़ी बनाती थी तो उसका मार पसा लेती थी, दाल चावल का आधा चम्मच बेसन डालो, नमक मिर्चा डालो, उसकी कढ़ी बना लो और रोटी बना दो, उसी कड़ी से रोटी खानी, खिचड़ी खानी है। आज तो कोई खा के दिखाए सेंटर पे रह के, ये दादियों की कमी से त्याग भी किया, संन्यास और तपस्या भी किया और मस्त होकर सेवा भी किया और यही खा करके हमारे में भी ताकत थी। आप अगर सुने तो जब पहला दादी ने छत लिया और छत के ऊपर चढ़ा के मकान में मकान बनाया, अब पैसा तो बहुत कम है, मकान भी बनाना ठिकाना भी करना, तो कितना पैसा होता है। अगर मिस्त्री कहते हैं कि वहाँ से आती है हमीरपुर से लाल वाली नौबस्ता में ट्रक उतरती, बहुत सस्ती मिलेगी, तो विद्या बहन भी 4 बजे सिविल लाइन से पैदल चलती थी, नौबस्ता में मोरन भराती थी और क्लीनर के साथ पैकेट मोरन लेके जाती थी। चले कोई आज पैदल, हम तो वहाँ तक जाना और चाहूँगा तब कहेंगे कैसे खाएँ। अब बहनों में ताकत नहीं है, क्योंकि दादियों के साथ रह रह के तो वो ताकत आ गई। बालू सफ़ेद बालू मिलेगी गंगा जी की, कहाँ मिलेगी, मगरवारा में मिलेगी। सोचो मगरवारा कई किलोमीटर है, गलियाँ गलियाँ रेलवे की पटरी पार करके पैदल जाते थे मगरवारा, क्योंकि अगर हम मंडी से बालू लेंगे तो आधे का फर्क है, इतना पैसे ही नहीं है। फजलगंज से लेते थे पैदल, फजलगंज आते थे, वहाँ भी मोरन की मंडी लगती थी,
तो दादियों ने अगर त्याग किया, दादियों ने चार पैसा बचाना है तो यज्ञ के लिए करना है। तो इसी तरह से वही संस्कार पड़ गए कि मुझे भी यज्ञ के लिए करना है, क्योंकि यज्ञ हमारा है, यज्ञ किसी और का नहीं है। और यज्ञ में करेंगे, बाबा का घर है तो वो भी बाबा के बच्चों का फल है। तो ऐसे दादियाँ ऐसे नहीं कि अपना पेट भरा अपना सुख सुविधा देना, नहीं, कभी नहीं। और गंगे दादी ने कभी पैसे से चप्पल नहीं खरीदा। अजमेर से उनकी भाभी देती थी, एक बार बड़ी दादी, अभी मैंने वो चप्पल रखा है तो प्लास्टिक की चप्पल देखी थी, बड़ी दादी 2 रुपए का प्लास्टिक का चप्पल लेके आई। गंगे दादी तेरे लिए कप भाई, और शुरुआत की सेवा कैसे किया। एक आने की आनंद किशोर दादा साइकिल पूरे दिन की लेते थे, आधे दिन की शायद 2 आना, पूरे दिन की 4 आना किराए पे। आधा समय प्रकाशमणि दादी कैरियर पे बैठ के जाती थी सेवा करने, तो गंगे दादी घर का काम करती, और आधा समय कैरियर पे बैठ के गंगे दादी जाती साइकिलों पे बैठ बैठ के। तो बड़े बड़े पीआरटी की सेवा की है, बड़े बड़े लोगों को निकालना है, क्योंकि साधन पैसा चाहिए रिक्शा करने का भी। तो एक बार तो बड़ी दादी गिर गई थी साइकिल पर, उसके बाद जब रिक्शा हुआ तो बड़ी दादी पटना से आई थी। तो बड़ी दादी, गंगे दादी और मोहिनी गया, इतना पैसा नहीं था कि 2 रिक्शा कर ले। एक रिक्शे में तीनों बैठे, तीनों हेल्दी, मोहिनी बहन भी, गंगे दादी भी, बड़ी दादी इतनी मोटी नहीं थी। तो बड़ी दादी को तो बड़े रिस्पेक्ट से रिक्शा पे गद्दी बीच में बिठाया, और एक तरफ जो हैंडल का होता है गंगे दादी, एक तरफ और जो ये नजीरा बाग का थाना है उसी चौराहे पे भारी टकराई, रिक्शा पलट गई, तीनों गिरी, सब उलझ के फोड़ फाड़ के चोट लगी। तो ये है भाई दादियों ने काम करने से, एक रिक्शे पे 3 दादी बैठती थी, 3 दिन हम लोग बैठे। तो सेवा मुझे तो गृहस्थी चलाने के लिए परिवार के लिए कोई सहन करे, और आश्रम में आके इतना त्याग तपस्या करे, दोनों फर्क है। परिवार में तो सब सहन कर लेंगे, लेकिन सेंटर का सहन करे। यहाँ कोई एक शब्द जरा कह दे ना पूछे, मैं गई पानी भी नहीं पूछा, जरा जोर से बोल दे तो अपमान महसूस करेगी। बहुत फर्क है, तो बहुत दादियों ने त्याग कर ली सर, उसका जो फल है आज हम लोग खा रहे हैं। दादा कमाए और पोता खाए, ये दादियों के हमारे सेंटर इतने वैभवशाली कहाँ थे। जब दादियाँ इस तरह से चली तो आप सोच सकते हैं, एक साड़ी में तो उनके काम चलते थे। हम खुद पहला पंजाब टूर किए बड़ी दादी साथ एक साड़ी में, तो इधर आज पंजाब का टूर कहेगा एक साड़ी लेके जाएंगे, इतना बड़ा सूट के भरा जाएगा तो वो भी जमाने देखे। दादियों ने ऐसे स्थापना नहीं किया, बहुत दम के बहुत पढ़ा, और उनके दम में आज ये सब। ओम ओम।